सौ सोनार की तो एक लोहार वाली जो ये कहावत आपने सुनी होगी ना कि भाई सोनार 100 बार मारता है और लोहार 1 बार मारता है, वही यहाँ पे किया गया, आज वही किया गया है। कुशल मल्ला ने एक ही वार किया है और एक ही वार में यहाँ पे जो है वेस्टइंडीज के सारे बॉलर ढेर नहीं, मतलब वेस्टइंडीज वाले ना इतने दिनों से आ रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, कुशल मल्ला को 0 पे आउट कर दे रहे थे, कभी 1 रन पे आउट कर दे रहे थे, तो इनको लग रहा था कि कुशल मल्ला नाम का खिलाड़ी कोई है ही नहीं, कुशल मल्ला तो रन ही नहीं मार सकता। लेकिन आज जिस तरीके से एक ही ओवर में खाली बाउंड्री पे बाउंड्री मारा गया ना कुशल मल्ला की तरफ से, तो भाई ये वेस्टइंडीज वाले जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पंगा कुशल मल्ला से नहीं, हाथ जोड़ता हूं कुशल मल्ला माफ कर दे। मतलब एक ही आज एक ही दिन बल्लेबाजी की है, एक ही दिन बैटिंग करी है कुशल मल्ला ने, वो एक दिन की बैटिंग ये वेस्टइंडीज वाले अब 100 जन्म तक बोलेंगे नहीं, 100 जन्म तक ये लोग अब इस बैटिंग को याद रखने वाले हैं। आप मेरे से लिखवा लो, किसी पेपर को लेके आओ, कोर्ट से पेपर लेके आओ, मुझसे साइन करवाओ कि क्या ये वेस्टइंडीज वाले जो है ना ये इनिंग भूलेंगे कुशल मल्ला की। मैं लिख के दूंगा कि भाई नहीं भूलेंगे, मैं सिग्नेचर के साथ लिख के दूंगा। ये आज क्या मारा है यार कुशल मल्ला ने, क्या मतलब आप ये भाई देख रहे हो, ये नेपाल की टीम जा रही है वर्ल्ड कप और यही नेपाल की टीम जो है ना वर्ल्ड कप में रेलने वाली है किसको, तो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड, ये चारों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले आज परफेक्टली पहले बात करते हैं अपने वेस्टइंडीज के ऊपर। अब देखो वेस्टइंडीज वाले ना सोचा था कि हम लोगों ने तो 3 मैच जीत लिए, सीरीज जीत लिया, 4th मैच भी आराम से जीत सकते हैं, तो ये लोग उसी माइंडसेट से आए थे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आज नेपाल के खिलाड़ी ना वो थे अलग मूड में। मैं बैटिंग के ऊपर भी आता हूँ, अनिल शाह, आसिफ शेख की बैटिंग के ऊपर भी आता हूँ, पहले बॉलिंग को बात करते हैं और कुशल मल्ला की बैटिंग पे भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि वेस्टइंडीज वाले आते अलग मूड में, कहते हैं कि भाई हमें तो जीतना है, 3 मैचेस पिछला हम लोगों ने खेला तो लगातार जीते हैं, नेपाल के फैंस का दिल को तोड़ा है, तो आज भी हम लोग तोड़ के जो है यहाँ पे जाएंगे। लेकिन आज मैंने आपको पहले क्या बोला, नेपाल के बॉलर अलग मूड में थे, ये लोग बदले के मूड में थे और बदला लिया गया है। भाई तुम हमारे होम ग्राउंड में आके, हमारे घर पे, हमारे सामने ऑडियंस के, मतलब हमें हरा के जाओगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ भी नहीं है। अब आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, नेपाल जब सीरियस होती है ना तो भाई ये भूल जाती है कि सामने कौन है, ये भूल जाती है, और आज सीरियस था नेपाल। आज आपने बॉलिंग देखी होगी, सागर तकाल के 3 विकेट, सोमपाल कामी के 3 विकेट, समझ रहे हो, और ये 6 विकेट निकालने के बाद जो नेपाल क्रिकेट टीम है अपने आप को भाई यहाँ पे पूरी दुनिया में जो है ना नंबर वन साबित कर रही है अभी। अब यहाँ पे बात करता हूँ पहले बैटिंग को लेके। अनिल शाह ने आज गजब की बैटिंग करी, आपको मैं बताऊँ अनिल शाह मतलब आप कह सकते हो इतनी मैच्योर बैटिंग करी है ना कि भाई आपको लगेगा कि कोई बड़े टीम का प्लेयर बैटिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जो है ओपनिंग कर रहा था। आप ऑस्ट्रेलियाई ओपनर लोग को देखोगे तो इसी तरह की ओपनिंग करते वो लोग, पूरे मैच्योर वाली इनिंग जो है यहाँ पे आज खेला गया है अनिल शाह की तरफ से। और देखो अनिल शाह का मैं इसलिए बहुत बड़ा फैन रहा हूँ क्योंकि वो घुमा घुमा के शॉट मार रहे थे भाई, कभी रिवर्स में दे रहे, कभी लॉन्ग ऑन पे मार रहे, कभी लेग साइड में छक्के उड़ा रहे, समझ लो, तो अलग अलग तरीके के शॉट्स अनिल शाह जो है खेलते हैं। आसिफ शेख ने आज बहुत अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन सबसे अगर किसी की तारीफ करने लायक बैटिंग है तो वो है भाई कुशल मल्ला की, क्योंकि कुशल मल्ला की बैटिंग जैसी बैटिंग देखी ही नहीं आज। चलो अनिल शाह ने तो मिडिल ऑर्डर में धोया है, लेकिन कुशल मल्ला ने तो एक ही ओवर में ऐसा धोया कि वेस्टइंडीज वाले बोलते हैं कि बाबा अब हम जा रहे हैं घर, अब नेक्स्ट टाइम से हम आएंगे तो भाई थोड़ा प्रिपरेशन करके आएंगे। और देखो ये मत समझो कि वेस्टइंडीज की छोटी टीम थी भाई, एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, मकोय नाम का बॉलर आपने देखा होगा, मकोय आईपीएल में खेल चुका है, आईपीएल के बॉलर को धोया गया है यहाँ पे अनिल शाह, आसिफ शेख और आप कह सकते हो कुशल मल्ला की तरफ से, समझ रहे हो। ये जितने आईपीएल के प्लेयर्स हैं मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि कौन कौन से प्लेयर जो आईपीएल खेल चुका है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी दोस्तों देखो आज का मैचेस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना।